नाजरीन, फरवरी 2024 का आखिरी हफ्ता बलूचिस्तान के साहली पट्टी के शहर गवादर बिलखसूस केज के इलाके के लिए इंतहाई तबाहकुन रहा। माहौलियाती तब्दीली के बाइस मगरबी बरसाती ट्रफ ने शदीद मुतासिर करके निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दी और माड़ा में भी शदीद मूसलाधार बारिश के बाद यह ट्रफ आहिस्ता आहिस्ता कराची की जाने पड़ा और कराची के मुतादिद इलाकों में कहीं गरज चमक के ताकतवर बादल तेज और कहीं हल्की बारिश बरसाता हुआ 3 मार्च को दम तोड़ गया। बलूचिस्तान के साहली पट्टी पर और गवादर में 190 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद गवादर में अर्बन फ्लडिंग ने चारों ओर पानी ही पानी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरीन की इमदादो बहाली के लिए पाक फौज, FC और बलूचिस्तान सिविल इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। पाक फौज की 44 डिवीजन बशमूल FC ने जीवानी, गवादर और सरबंदर के सैलाब मुतासर इलाकों में सिविल इंतजामिया के हमरा इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी। पाक फौज के मेडिकल कोर के डॉक्टरों की टीम ने गवादर, सरबंदर, जीवानी के मुतासरीन को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम की और मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद फ्री मेडिकल कैंप में सैलाब से मुतासर कुल 1200 मरीजों का मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की। मवासलात के बुनियादी ढांचे को जल्द अज जल्द फाल करने और इलाके के दीगर मुतासर शहरों और रास्तों की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया गया और तूफानी बारिशों के बाद नक्काशी भी तकमील की तरफ है। पाक फौज ने 60 टन राशन गवादर के 180 खानदानों में तकसीम किया, जो कि फी खानदान के लिए 15 रोज की जरूरत के लिए काफ़ी है। जीवानी में 330 अफराद, 33 खानदान और 60 कश्त महफूज मकाम पर मुंतकिल भी की गई। सिविल इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से नक्काशियात के लिए वाटर पम्प अंदर गवादर में ऑपरेशनल हैं।